Okay, friends, there was some connectivity issue, so I'm again joining you all. Welcome back. So where we left, I'll continue from there. Ek baar revise kar lete fatafat. IBBI kya kaam karega? To kehne se there will be insolvency professional agency, insolvency professional information utility. Beta ye teen log rahega everybody. Ab in log kya bolta? Agar koi insolvency professional agency hai, insolvency professional information utility hai. IBBI kya kaam karega? To kehne se wo regulate karega kisko? IPA ko, IP ko, IU ko. Ye baat ho gaya? फिर इसके बाद हम लोगों ने सेकंड पढ़ा था व्हाट इज आईपीए विल डू. सो कैन से आईपीए इज अ रेगुलेट, आईपीए इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. वो तीन टाइप का काम करेगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड्स बनाएगा, एग्जीक्यूटरी कैन से मॉनिटर करेगा, एंड क्वासी जुडिशियल उसके कंप्लेंस वगैरह क्या करेगा वो हियर करेगा. फिर इसके बाद इन लोग क्या बोला है, इसके बाद इन लोग क्या बोला है कि अगर कोई आईपी है, आईयू है, तो वो क्या है? आईपी मतलब क्या, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम क्या रहेगा बेटा? इसका काम रहेगा क्या करने का, बोलो एक बार सब लोग. इनका काम रहेगा सबको सब पूरा काम करने का इस एक्ट का. और आईयू क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. बेटा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के लिए क्या बोला इन्होंने, इनके क्या काम रहेंगे? तो इन लोगों ने बोला है इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक, सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रहेगा. फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मैंने बताया आप लोगों को, एनसीएलटी, एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट, इधर डीआरटी, डीआरएटी, सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद बेटा डेफिनेशन से, बट मेजर डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को जैसे जैसे प्रोविजंस पढ़ाते जाऊंगा उसी के साइड बाय साइड डेफिनेशन खत्म करते चला जाऊंगा एवरीबॉडी, तो उसको अलग से मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं. अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. क्या होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस? अब अगर मैं इसको उल्टा रीड करूं तो कैसे अंडरस्टैंडिंग आएगा एवरीबॉडी? प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिवाइवल. प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन किससे? फ्रॉम इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इट्स अ स्टेट और पोजीशन वेयर लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट. तो इससे रिवाइव होना मतलब कैन से मेकिंग अ सिचुएशन वेर योर असेट्स बिकम मोर देन योर लाइबिलिटी. और ये सब किसका? ऑफ कॉर्पोरेट. मतलब यहां पे सिर्फ कंपनी और एलएलपी कवर्ड है एवरीबॉडी. तो इसको उल्टा रीड करोगे तो ये तुमको समझ जाएगा कि ये क्या है एग्जैक्टली. तो इन दिस पार्ट यू आर गोइंग टू लर्न, दिस इज नथिंग बट योर पार्ट टू एवरीबॉडी. इन अ पार्ट टू व्हाट दे आर सेइंग, इट इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ रिवाइवल. रिवाइवल फ्रॉम इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन. इंसॉल्वेंसी ऑफ व्हाट? कॉर्पोरेट पर्सन. अब बेटा कैसे रिवाइवल होगा? तो यही सब हम लोग को इस पूरे, ये जो तुमको एक पैराग्राफ दिख रहा है ना बेटा, इसी का पूरे फ्लो में अभी पढ़ने का है. तो ना एक चार्ट आईसीआई ने भी दिया है. अब वो अच्छा है बुरा है मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चार्ट मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं, इसमें पूरा प्रोसेस ऑफ रिवाइवल कैसे होता है. एक चार्ट अभी दे रहा हूं, एक एंड में दूंगा जब पूरा खत्म हो जाएगा कैसे होता है प्रोसेस ऑफ रिवाइवल, समझो. अब बेटा तीन टाइप के लोग होते हैं. पहला होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर. अब तुम रिवाइवल कर रहे हैं ना यार, तो रिवाइवल कैसे होता है? तो पहला होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर. दूसरा होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर. और तीसरा होता है कॉर्पोरेट डेटर. फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है? ये जिसने लोन वगैरह दिया रहता है वो क्या हो गया? फाइनेंशियल क्रेडिटर. एम्प्लॉइज जिसको सैलरी वगैरह ड्यू रहता है, रेंट वगैरह ड्यू रहता है, वो क्या हो गया? ऑपरेशनल क्रेडिटर. वो पर्सन खुद इज ऑपरेशनल क्रेडिटर है, हिमसेल्फ. कंपनी या एलएलपी, वो पर्सन खुद क्या बन गया? कॉर्पोरेट डेटर. एग्जाम्पल किंगफिशर के लिए एसबीआई इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. किंगफिशर के जो एयर होस्टेस है, ज्यादा फालतू मुस्कुराने की जरूरत नहीं है. किंगफिशर के जो एयर होस्टेस है, एम्प्लॉइज हो गया ना यार पायलट्स, अब क्यों नहीं मुस्कुराया? ये सब हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर. और तीसरा किंगफिशर खुद क्या हो गया? कॉर्पोरेट डेटर. पहले तो बेटा तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. सर कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है? कर सकता है ना, उसको लग रहा है फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. अब बेटा फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर, ये तीनों क्या फाइल करेंगे? एप्लीकेशन. किसके पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे?
तो बेटा ये लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे एनसीएलटी के पास। तीनों को फाइल करने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक भी फाइल करेगा तो चलेगा। तो कहते हैं दिस इज योर स्टेप नंबर वन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, ये तीनों एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसके पास? एनसीएलटी के पास। फिर एनसीएलटी चेक करेगा अपेरेंटली सब सही है क्या। अगर उसको लगेगा अपेरेंटली सब सही है तो बेटा वो ऑर्डर देगा, वो क्या अपॉइंट कर देगा? ही विल अपॉइंट, इन लोग नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल देंगे। क्या देंगे बेटा? नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब इन्होंने नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसको दे दिया? एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी उसी को क्या अपॉइंट कर सकता है? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी। अब बेटा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है? एक मिनट समझो, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो इंसान होता है बेटा जो तुम्हारा रिवाइवल करवा रहा है। सर मतलब कौन होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? तुम्हारा क्या बनता है? अभी तुमको पूरा नहीं समझने वाला, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं, बाद में जब इन डेप्थ पढ़ाऊंगा तो पूरा समझेगा। जो तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वही तुम्हारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनता है। इसको थोड़ा समझाता हूं मैं, समझो थोड़ा। जो तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वही तुम्हारा क्या बनता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को। ए मैं सीए हूं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं टीचर हूं, ये मेरा डेजिग्नेशन है। मैं सीए हूं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं ऑडिटर हूं, ये मेरा डेजिग्नेशन है। मैं मेल हूं, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं पति हूं, ये मेरा डेजिग्नेशन। पति मतलब ऑब्वियसली अपनी वाइफ का। ए तुम लड़के हो, लड़की हो, ये तुम्हारा क्वालिफिकेशन है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा डेजिग्नेशन है। सर कितना फालतू बात करोगे। अब बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ क्वालिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अ डेजिग्नेशन। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल गेट अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कब बनते हो तुम? ये जब तुम उस कंपनी में अपॉइंट हो जाते हो रिवाइवल के काम के लिए। तो ओनली अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन बिकम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। टू बिकम अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यू नीड टू बी फर्स्ट व्हाट? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही आपका क्या बनता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो क्या काम करता है बेटा? जो करता है रिवाइवल का काम। क्या काम करता है वो? रिवाइवल का काम। तो बेटा तुमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तुम्हारा क्या बन गया? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आपका क्या काम करने वाला है पूरा बताओ एक बार? रिवाइवल का काम करने वाला है। क्या करने वाला है बोलो एक बार जोर से? रिवाइवल का काम करने वाला है। अब मेरी बात समझो, ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने के लिए तुमको पहले आईपी होना चाहिए। अब ये आईपी का नाम तो ये तीनों दे सकते हैं, एफसी, ओसी एंड सीडी। लेकिन बेटा अगर एफसी, ओसी और सीडी ये नाम दे रहे, आप मेरी बात समझिए इसको, एफसी, ओसी, सीडी अगर ये नाम दे रहे तो इस केस में होगा क्या? एफसी, ओसी, सीडी ने ये नाम दे दिया और अगर आप उसको अपॉइंट कर लेते हो, अगर आप उसको क्या कर लेते हो? अपॉइंट, तो वही रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तुम्हारा क्या बन जाता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। लेकिन उसको अपॉइंट करने का राइट होता है क्रेडिटर्स लोगों की कमिटी के पास। जब तक उन लोग, अब वो कब आएगा? बाद में आएगा, लेकिन जब तक उन लोग अप्रूव नहीं करते तब तक तो उसका अपॉइंटमेंट भी फाइनल नहीं है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब कल को ये भी क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। लेकिन आज एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया तो बेटा वो आज के डेट के लिए क्या बन गया है? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर वो कल उसके अपॉइंटमेंट को हम क्या कर देंगे? अप्रूव कर देंगे, तो कल उसको क्या बोल दिया जाएगा बोलो एक बार जोर से? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। बात आई समझ में सबके? अब सुनो, अब बेटा ऊपर आ जाओ। एप्लीकेशन कर दिया और अपॉइंट, एनसीएलटी किसको अपॉइंट कर लेगा? आईआरपी को। बेटा एक बार आईआरपी अपॉइंट हो गया तो क्या होगा? आईआरपी अपॉइंट होने के बाद ये तुम्हारा नंबर वन था, ये तुम्हारा नंबर टू हो गया। आईआरपी अपॉइंट होने के बाद कहने से क्या करेगा? आईआरपी अपॉइंट होने के बाद पब्लिक नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस देगा
ताकि क्रेडिटर्स अपना क्या दे पाए बच्चा लोग, ये पॉइंट थ्री हो गया, क्रेडिटर्स अपना क्या दे पाए, क्लेम दे पाए। किसको देंगे क्रेडिटर्स अपना क्लेम? आईआरपी को देंगे। बाद में वो क्लेम को लेके आईआरपी क्या करेगा, तो बाद में वो क्लेम को लेके आईआरपी सीओसी बनाएगा। सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर, और वही सीओसी, ये तुम्हारा नंबर फोर हो गया, और आईआरपी फॉर्म करेगा क्या, सीओसी, यही तुम्हारा क्या हो गया नंबर फाइव। बाद में वही सीओसी अप्रूव करेगा उसका अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट, आईआरपी का, या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अप्रूव कर दिया तो क्या, नहीं से आईआरपी विल बिकम व्हाट, आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। बेटा आईआरपी आरपी बन गया, उसके बाद क्या होगा, तो अगर आईआरपी आपका क्या बन जाता है बोलो एक बार, आरपी, तो बाद में वो आरपी क्या बनाएगा बेटा, बाद में वो आरपी बनाएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? ए, मैं पहले तो रिवाइव करवाऊंगा, रिवाइव करने के लिए जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो रिवाइवल प्लान बनाने के लिए, रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए जरूरत होता है। तो आरपी क्या करेगा, आरपी बनाएगा क्या, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद, ये नंबर सेवन है, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद वो नंबर एट किसको दे देगा, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाने के बाद वो किसको दे देगा बोलो एक बार जोर से, शेयर होल्डर्स को, सॉरी शेयर होल्डर को नहीं, बनाने के बाद उसके बेसिस पे रिजोल्यूशन प्लान बनेगा। मुझे तो आज भी पता है कि रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। और ये रिजोल्यूशन प्लान को कौन अप्रूव करेगा, सीओसी बाई 66%। पहले बेटा 75% होता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ये कितना परसेंट हो गया है, 66%। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर सेवन, सीओसी, सॉरी नंबर नाइन। उसके बाद सीओसी क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा, फिर ये किसको दे दिया जाएगा, एनसीएलटी को, किसको दे दिया जाएगा बोलो एक बार, एनसीएलटी को। ये हो गया तुम्हारा नंबर टेन। एनसीएलटी अगर तुम्हारा रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया तो तुम्हारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोसेस, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विडेशन। ये हो गया नंबर 11। अब देखो ना एट अ ग्लांस, ये फुल फ्लेचेड चार्ट नहीं है, ये सिर्फ तुमको कनेक्ट करने के लिए मैंने पढ़ाया। सबसे पहले बेटा क्या होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, ये तीनों लोग क्या देगा इकट्ठे, ये तीनों लोग नहीं देगा, कोई भी एक क्या देगा, एप्लीकेशन किसको देगा, एनसीएलटी को। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है जिसने लोन दिया है, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो लोग एम्प्लॉई वगैरह होते हैं, रेंट वगैरह जिसको कलेक्ट करना होता है, फिर कॉर्पोरेट डेटर वो लोग होते हैं, वो एसएससी खुद पर्सन खुद होता है, फिर एप्लीकेशन देगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी को जिसका नाम दिया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, अगर एनसीएलटी उसको अपॉइंट कर लेता है तो वो बंदा क्या बन जाएगा तुम्हारा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब उसके बेसिस पे आईआरपी पब्लिक नोटिस देगा किसको, क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स को पब्लिक नोटिस देने के बाद क्रेडिटर कहने से उसका क्लेम कंसिडर करेगा, और क्लेम कंसिडर करने के बाद, फिर से बोलो, क्लेम कंसिडर करने के बाद आईआरपी क्या बनाएगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, वो सारे क्रेडिटर्स को लेके, और वही कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% वोट देके क्या, नहीं से उसको क्या बना सकता है, आरपी। उसके बाद वो आरपी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा एवरीबॉडी, और उस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे क्या बनाया जाएगा, रिजोल्यूशन प्लान, क्या बनाया जाएगा बोलो एक बार, रिजोल्यूशन प्लान। और वो रिजोल्यूशन प्लान क्या, नहीं से सीओसी ने अगर अप्रूव कर दिया तो आगे एनसीएलटी के पास जाएगा, और एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा बोलो, तो रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन। इसका फोटो खींच लो सब लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब बेटा देखो एक एक करके मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एवरीबडी, तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एवरीबडी। कौन से तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर,
ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉरपोरेट डेटर। बेटा इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट भी है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले नॉर्मल प्रोविजन में पढ़ाऊंगा और फिर उसमें कहां पे अमेंडमेंट है वो बताऊंगा। नहीं तो क्या होगा ना, जो लोग तुम लोग पढ़ा हुआ है ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। नॉर्मल एक्ट क्या होता है, बहुत बार पढ़ा रहता है बच्चों ने तो उनको याद रहता है, आईबीसी एक आधा बार मुश्किल से पढ़ा रहता है। अमेंडमेंट बोलता हूं तो कंफ्यूज हो जाता है, पहले हमने तो कुछ और पढ़ा था। तो ये तीनों का पहले एप्लीकेशन पढ़ा दूंगा और उसके बाद में तुरंत तुम लोगों को उसका अमेंडमेंट बताऊंगा क्या अमेंडमेंट है। तो सुनो, सबसे पहले अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये वो एप्लीकेशन कर रहा है ना बेटा एनसीएलटी के पास, तो अगर वो एप्लीकेशन करता है किसके पास एप्लीकेशन करेगा बेटा, एनसीएलटी के पास, ठीक है, एनसीएलटी के पास अगर ये एप्लीकेशन करता है तो क्या क्या डिटेल देगा, ए रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। क्या क्या डिटेल देगा, पहला रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट मतलब अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इसने लोन दिया होगा बेटा, लोन दिया होगा तो उस लोन का इंफॉर्मेशन होगा ना यार, नॉर्मली तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रजिस्टर्ड होगा, वो तो उसका ही कॉपी निकाल के दे देगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलू दैट इज एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, एवरीबडी लिख दू, अलग से लिख दू क्या, नहीं ठीक है। दूसरा नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यार फाइनेंशियल क्रेडिटर को जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम भाए वो नाम अपने एंड से दे सकता है, अल्टीमेटली तो उसको अप्रूव कम आगे सीओसी ही करने वाला है, तो वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम दे देगा। अच्छा, इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम इस फाइनेंशियल क्रेडिटर को कहां से मिलने वाला है, तो इस इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास उसको इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम मिलेगा। और थर्ड इज अदर इंफॉर्मेशन, जो भी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा वो एनसीएलटी को दे देगा। ये हो गया तुम्हारा स्टेप वन। अब एनसीएलटी क्या करेगा बेटा, एनसीएलटी दो में से एक बात करेगा, विद इन 14 डेज, या तो एनसीएलटी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। बेटा एप्लीकेशन रिजेक्ट कब करेगा, उसके तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन एक ग्राउंड ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। तो बेटा अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है तो वो किसको कम्युनिकेट करेगा, जिसने एप्लीकेशन फाइल किया है, दैट इज ऑपरेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास टाइम रहेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर में रेक्टिफाई डिफेक्ट अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है बिकॉज इंफॉर्मेशन डेटा इज नॉट कंप्लीट, इट इज व्हाट इनकम्प्लीट, देन फाइनेंशियल क्रेडिटर मे रेक्टिफाई व्हाट डिफेक्ट विद इन हाउ मेनी डेज, 7 days. They may rectify the defect within how many days? 7 days. 7 days from क्या रे? From notice receipt. From notice. तो जिस दिन application उसके हाथ में आया है ना, उस दिन से कितने दिन में करेगा वो? 7 days में rectify कर सकता है. Application accept हुआ है, मतलब ए application reject मतलब default occurred कि not occurred? या तो incomplete है, या तो बोला default हुआ ही नहीं है बेटा. एप्लीकेशन एक्सेप्ट है मतलब कहने से डिफॉल्ट क्या हुआ है बेटा, अकर्ड, डिफॉल्ट हुआ है ना, उस केस में भी वो कम्युनिकेट करेगा। ये कितने दिन में कम्युनिकेट करेगा, विद इन 7 days. कितने दिन में कम्युनिकेट करेगा, विद इन 7 days. किसको करेगा सर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, लेकिन उसके साथ साथ एंड कॉर्पोरेट डेटर को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर को, सरप्राइज नहीं आना चाहिए, सरप्राइज ऐसे नहीं आना चाहिए कि हमने तो तुम्हारा स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले इंसॉल्वेंसी, अब तुम्हारी कंपनी लिक्विडेशन में, तुम्हारा सब कुछ बेचने आ गया, अब तुमको बेचने आ रहे हैं, नहीं कहने से तो उसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन 7 days. तो देखो ना जरा, अब बेटा कैसे जाता है, ध्यान दो सब लोग, कुछ डेट लेके पढ़ा रहा हूं। अगर अपील किया है एफसी को, समझो आप लोग,
अपील किया है एफसी को, बेटा अगर अपील किया है एफसी को, तो इन लोगों ने क्या बोला उस केस में, समझो आप लोग, जब तुम अपील कर रहे हो एफसी को उस केस में तुमने क्या नहीं फाइल करना चाहिए, सॉरी एफसी ने अपील किया है, किसके पास अपील किया रे बेटा, एनसीएलटी के पास, किसके पास अपील किया है एनसीएलटी के पास। अगर तुम एनसीएलटी के पास अपील कर रहे हो तो क्या होगा, लेट्स से उसने अपील किया 24 को, 4/2008, अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस दिन आईबीसी आया ही नहीं था, लेकिन तुम लोग सिर्फ डेट पे फोकस करो ना, कॉन्सेप्ट को ज्यादा घुसो मत अंदर। अब कैसे एनसीएलटी 15 डेज में रिप्लाई करना चाहिए बेटा, 15 डेज नहीं सॉरी कितना डेज, 14 डेज यहां से काउंट करो कितना होगा, तो कैसे 14 डेज मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड 12th, 30th का है ना महीना, 14 डेज ना 8th of May 2018। अब बेटा अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो यहां से विद इन 14 डेज उसने कम्युनिकेट करना चाहिए, यहां से विद इन 14 डेज कम्युनिकेट करना चाहिए का मतलब क्या है, यहां से विद इन 14 डेज कम्युनिकेट करना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, यहां से विद इन 14 डेज कम्युनिकेट करना चाहिए का मतलब क्या है, एक ऐसे 8th मई है ना एवरीबॉडी, तो यहां से 14 डेज क्या होगा बताओ मेरे को, 22nd मई 2018 क्या डेट होगा, 22nd में उस दिन तक कम्युनिकेट, सॉरी 7 डेज बोला ना मैं, गलत लिख दिया रे, ये तो यहां से 7 डेज मतलब कितना डेज, 15th मई 2018 तक कम्युनिकेट करो ये, लेकिन अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या नहीं से सामने वाला, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो सामने वाला तुम्हारा डिफेक्ट को भी रेक्टिफाई कर सकता है, तो बेटा रिजेक्ट कर रहा है तो डोंट यू थिंक तुम पोस्ट वोस्ट से भेजेगा तो एक दो दिन तो जाने में लगेगा उसको, लेट से उसके हाथ में आया है 10th अगस्त 2015 को, इस दिन उसको रिसीव हुआ है, तो बेटा वो कब तक रेक्टिफाई कर सकता है डिफेक्ट, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ना यार, और मुझे बताओ डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है 10th, ये कोई भी डेट हो सकता है, दो तीन दिन तो लगेगा वहां से, मतलब कहने से लेट्स से ये 11th है तो वहां से बाय 18 8, मैं पूरा घान कर रहा हूं रे, ये सब 8 कहां से आ गया, और तुम लोग भी नहीं बोल रहे, नींद में है क्या तुम लोग, 15 क्या 5 और ये भी क्या आएगा 11 5 और ये क्या होगा 18 5 2015, कैसे इस डेट तक वो डिफेक्ट क्या कर सकता है अपना रेक्टिफाई, मतलब अगर इस दिन उसको रिसीव हुआ है नोटिस तो क्या नहीं से विद इन 7 डेज वो अपना डिफेक्ट क्या कर सकता है बच्चा लोग, रेक्टिफाई कर सकता है, सिंपल है ना ये पॉइंट, सबको समझा फाइनेंशियल ग्रेडर कैसे एप्लीकेशन करता है एवरीबॉडी, अरे समझा क्या, ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन करेगा, देखो इधर सब लोग, ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन कर रहा है तो सबसे पहले वो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करेगा, वो डिमांड नोटिस भेजेगा, क्यों, ये नॉर्मली वो गरीब आदमी होता है, गरीब मतलब एम्प्लॉई वगैरह होगा यार, रेंट वेंट का उसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होगा कि शायद वो पे ना कर पाए, कौन, कॉर्पोरेट डेटर, इसीलिए उसको पहले कॉर्पोरेट डेटर से क्या करना चाहिए, डिमांड नोटिस भेजना चाहिए, कॉर्पोरेट डेटर को क्या भेजेगा बेटा, डिमांड नोटिस, और कॉर्पोरेट डेटर उसको रिप्लाई करना चाहिए, कॉर्पोरेट डेटर उसको रिप्लाई करना चाहिए विद इन 10 डेज। अब बेटा रिप्लाई क्या करेगा, सुनो दो में से एक बात, या तो उसको पेमेंट कर देगा और बोलेगा डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब कोर्ट में गया है मैटर, इस दोनों केस में तुम फर्दर अपील नहीं फाइल कर सकता है, इस दोनों केस में फर्दर अपील नहीं फाइल कर सकता क्योंकि डिस्प्यूटेड है, मतलब कहते वो पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है ये है ही नहीं ड्यू, ये तो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चलता होगा, तो अगर पेमेंट नहीं है, नो पेमेंट,
एंड उसने डिस्प्यूट भी नहीं किया, मतलब किसी कोर्ट में नहीं है, एंड नॉट डिस्प्यूटेड, उस केस में तुम अपील किसके पास फाइल करेगा बेटा? उस केस में तुम अपील फाइल करेगा एनसीएलटी के पास। उस केस में तुम किसके पास अपील फाइल करेगा बेटा? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास जब अपील फाइल करेगा, अपील बोलू या एप्लीकेशन बोलू एक ही बात है यहां पे, अपील देखो ना। चलो पहला क्या डिटेल्स फाइल करेगा साथ में? ये पहला एविडेंस, एविडेंस ऑफ अनडिस्प्यूटेड, मतलब क्या एफिडेविट बोल सकता हूं इसको मैं, एफिडेविट फाइल करेगा कि डिस्प्यूटेड नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा ना, तुम तो झूठ भी बोल सकते हैं, तो तुमको बेटा एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, एफिडेविट दैट अमाउंट इज अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, ये तुम बोल रहे हो पेमेंट नहीं मिला है, तो कुछ तो बैंक अकाउंट का तुम्हारा स्टेटमेंट फाइल होगा जिससे पता चलेगा पैसा नहीं मिला है। एवरीबॉडी अरे समझ रहा है, तुम लोग समझ रहा है? तो पहला एफिडेविट दैट अमाउंट इज क्या अनडिस्प्यूटेड, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ बैंक कि तुमको पैसा नहीं मिला इसका, इनवॉइस फाइल करना पड़ सकता है, नंबर चेंज कर देता हूं, इनवॉइस फाइल करना पड़ सकता है। इनवॉइस मतलब क्या, ये तुम अगर क्रेडिटर है तो तुमने गुड्स बेचा होगा तो तुम्हारे पास कुछ इनवॉइस होगा, तो उसका भी डेटा और सच अदर इंफॉर्मेशन। सर यहां पे आपने नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं लिखा है, छोटा आदमी तो हो सकता है ये नाम नहीं दिया हो एवरीबॉडी। फिर एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी रिप्लाई करेगा विद इन 14 डेज। कितना डेज? विद इन 14 डेज। और या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, या तो रिजेक्ट कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा, लेगा क्या बेटा? अगर रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन क्योंकि कुछ कमी है एप्लीकेशन में, तो कैसे? ऑपरेशनल क्रेडिटर मे रेक्टिफाई डिफेक्ट, विद इन कितना डेज? 7 डेज ऑफ नोटिस। और अगर एक्सेप्ट कर रहा है एप्लीकेशन तो कहने से कम्युनिकेट करेगा, और कितने दिन में कम्युनिकेट करेगा? विद इन 7 डेज। किसको कम्युनिकेट करेगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। बेटा एक बार ये कॉपी कर लो ना, ठीक है एक बार बोलो मेरे को फिर से, कौन एप्लीकेशन कर रहा है यहाँ पे? कौन एप्लीकेशन कर रहा है यहाँ पे? पहला एप्लीकेशन कौन कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन करते टाइम 3 चीजें फाइल करेगा, एक तो क्या एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अदर इंफॉर्मेशन। अब वो जो
बंदा है जिसको एनसीएलटी, इट शैल रिप्लाई विद इन 14 डेज, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है तो बेटा जिसको कम्युनिकेट कर रहा है एफ सी, दैट पर्सन कैन रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है देन उस केस में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो डिफेक्ट कितने दिन में रेक्टिफाई हो सकता है बोलो एक बार सब लोग, सॉरी अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर को एज वेल एज कॉर्पोरेटर को। फिर अगला मैंने क्या बोला, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी एप्लीकेशन कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन करता है तो पहले उसको डिमांड करना पड़ेगा मनी। बेटा इसका मैं नंबर लिख देता हूँ ना, पहले वाले में नंबर लिखा हूँ क्या, फाइनेंशियल, ठीक है रहने दो। फिर तीसरा, अगर वो पहले डिमांड करेगा मनी, किससे डिमांड करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर से, कॉर्पोरेट डेटर ने या तो 10 डेज में पे कर दिया या तो डिस्प्यूट कर दिया, मतलब बोलता है मैं तेरे को पेमेंट नहीं दूंगा, अगर दोनों में से कुछ भी हो गया तो अपील नहीं कर सकता है वो एनसीएलटी के पास, क्योंकि ऑलरेडी कहीं और रहेगा मैटर, अगर अपील नहीं दोनों में से कुछ भी नहीं गया तो अपील करेगा तो इनवॉइस फाइल करना पड़ेगा, फिर ये एविडेंस की एफिडेविट की डिस्प्यूटेड नहीं है एंड सर्टिफिकेट ऑफ बैंक अकाउंट की पैसा नहीं मिला एंड अदर इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद एनसीएलटी विद इन 14 डेज आंसर करेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा कहने से क्या हो जाएगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को एंड कॉर्पोरेट डेटर को, एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में क्या, रिजेक्ट कर दिया पड़ेगा, कम्युनिकेट करेगा, और जिस दिन से कम्युनिकेट हुआ उधर से 7 डेज में वो एप्लीकेशन को क्या किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगला बात, ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर भी बेटा एप्लीकेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन खुद से भी कर सकता है, कब करेगा, तो ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, उसको लग रहा है डिफॉल्ट हो गया है तो वो एप्लीकेशन करेगा, किसको एप्लीकेशन करेगा, एनसीएलटी को, और किसके साथ, पहला इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेटा उसी से तो पता चलेगा डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं, दूसरा नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें एनसीएलटी को फाइल करेगा। फिर एनसीएलटी चेक करेगा एप्लीकेशन कंप्लीट है कि नहीं है, विद इन कितना डेज, 14 डेज, अगर एप्लीकेशन क्या है बेटा कंप्लीट है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा वो, और अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो एप्लीकेशन क्या कर देगा वो, रिजेक्ट कर देगा। बेटा एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, विद इन कितना डेज कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विद इन 7 डेज कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो क्या कर सकता है, डिफेक्ट सीडी कैन रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 7 डेज, सीडी में कैन रेक्टिफाई डिफेक्ट। विद इन 7 डेज, कितने डेज में रेक्टिफाई कर सकता है, विद इन 7 डेज, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा बेटा, कितने डेज में, विद इन 7 डेज, किसको करेगा, सीडी को करेगा, ठीक है, पर देख लो ये पूरा। जब तक लिख लो पहले,
ओके, देखो इधर बेटा, इसका कुछ बताना है बट पहले इधर तक आके कंफर्टेबल हो जाओ, पहले इधर तक एक रिवाइज कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट और व्हाट पोजीशन वेयर लाइबिलिटीज आर मोर देन व्हाट एसेट्स एंड इफ इट इज अनट्रीटेड इट विल लीड टू बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी फॉर हुम? नॉन कॉर्पोरेट, एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट्स। इसके बाद व्हाट इज फाइनेंशियल फेलियर? इफ यू कुड नॉट रीपे व्हाट लोन एक्सेट्रा इट इज फाइनेंशियल। इफ यू कुड नॉट रीपे एक्सपेंसेस देन इट इज बिजनेस फेलियर, मेलफिशिएंस एंड मिसमैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज we have discussed structure of the code. How many sections are there everybody? How many sections are there? 255 sections. Sorry, yeah, 255 sections. How many schedules are there? 11 schedules. How many parts are there? 5 parts. Tell me, for what is first part? For preliminary. Part 2 is insolvency resolution and liquidation for corporate. Part 3 is insolvency resolution bankruptcy for non-corporate. Part 4 is what? Insolvency professional agency information utility. Part 5 is what? Miscellaneous. Now, what they are saying? What they're saying? Number one, can I say this is applicable to whole of India? This is applicable to whole of India except what? Except Jammu Kashmir, part three. Part three is not applicable to Jammu Kashmir. Then the next point they're saying this act is notified on what date? That date they have said. Now friends, can I say applicability of this code? It is applicable to which all person? Mere saath bolo ek bar. Individual. Second is what? Individual. Second is personal guarantor. Third is partnership firm. Fourth is company. LLP. Fifth is company. Sixth is special act. Seventh is body corporate. Then what are the features of this code? Can you say comprehensive law? That is corporate, non-corporate, dono ek saath aa gaya. Then no multiplicity of law. Beta pehle 8 acts aa, uski jagah pe ek act aa gaya. One 8 act to one act. So no multiplicity of law. Fir ye log ne kya bola? IBBI. IBBI ki wajah se kya ho paya? Low time resolution. IBBI ki wajah se kya ho paya? वन विंडो क्लियरेंस, वन चेन अथॉरिटी, उसकी वजह से लो टाइम रिजोल्यूशन, एंड देन कहने से प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉई एंड वर्कमैन। देन इसके बाद आता है फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ। बेटा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो टू कंसोलिडेट द लॉ, देन कैन आई से टू कंसोलिडेट द लॉ, देन आईबीबीआई न्यू रेगुलेटरी बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट कैन आई से क्या हो पा रहा है? टाइम बाउंड क्लोजर, उसकी वजह से क्या हो रहा है? मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट, क्रेडिटर का बेनिफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, एंड देन प्रमोट एंटरप्रीनियरशिप, एंड उसके बाद क्या बोला? प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। रिकलेक्ट हो रहा है? नाउ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसमें कैसा आता है बेटा? रेगुलेटरी मैकेनिज्म है तो कहने से पहले आईबीसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट है। अब इसके बाद इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो गया? तो नंबर वन इसमें क्या आ गया है? आईबीबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी। दूसरा हो गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में क्या क्या है? तो एनसीएलटी, और अगर उसके बाद उसका हायर अपील किसके पास जाएगा? एनसीएलटी का, और उसका हायर अपील किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, डीआरटी, डीआरटी और वैसे। ए अब आईबीबीआई कहने से इसका काम क्या है? तो कंट्रोल करना किसको? आईपी, आईपा, आईयू को। अब आईपी क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल है जो इस एक्ट में काम करते हैं। आईपा कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इट्स आईपी इसका मेंबर, इट्स अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आईपी एवरीबडी। देन आईपा के कौन से फंक्शन है? तो पहले तो क्या से फंक्शन है? रेगुलेटरी, स्टैंडर्ड्स बनाएगा, मॉनिटरिंग करेगा, ये एग्जीक्यूटरी फंक्शन हो गया, और उसके ग्रीवेंस हैंडल करेगा उनके अगेंस्ट, जो भी ग्रीवेंस है मेंबर्स के अगेंस्ट, तो ये उसका क्वासी जुडिशियल फंक्शन हो गया। उसके बाद आईपीए में, सॉरी आईबीबीआई में कौन से मेंबर्स रहेंगे वो बोला है ना? आईबीबीआई में तो बेटा क्या ना इसे चेयरपर्सन रहेगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, वेरी गुड, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई, एंड फाइव मेंबर्स आउट ऑफ व्हिच थ्री शैल बी व्हाट? होल टाइम। इसके बाद हम लोग ने बेटा प्रोसेस प्रोसेस तो हमने क्या प्रोसेस पढ़ा एक बार ध्यान दीजिए सब लोग। हम लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये पार्ट टू हम लोग स्टार्ट किया है, इसका नाम क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। उल्टा पढ़ो, प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिजोल्यूशन मतलब रिवाइवल फ्रॉम व्हाट? इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट, सो उसका रिवाइवल मतलब मेकिंग अ सिचुएशन वेयर योर असेट बिकम मोर देन योर व्हाट? लाइबिलिटी। और किसका? ऑफ किसका? कॉर्पोरेट।
अब उसका देखो ना, मैंने एक लंबा चौड़ा चार्ट दिया था तुमको, अब उन लोग ने इसको ही दिया है, बट वो थोड़ा शॉर्टकट में दिया है, जब पढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली तुमको समझ जाएगा। बेटा देखो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान दीजिए, रेडी एवरीबॉडी, सबसे पहले क्या होगा एक बार बताइए। नंबर वन बोलो, फाइलिंग ऑफ क्या, एप्लीकेशन। ये बात आई समझ में सबके, फाइलिंग ऑफ क्या बोलो फिर से, एप्लीकेशन। नंबर टू क्या बोला इन्होंने, इंसॉल्वेंट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। दूसरा इन लोग ने क्या बोला है, तुमने एप्लीकेशन फाइल किया, तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, कौन सा कौन, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, किसको एप्लीकेशन फाइल करेगा, एनसीएलटी, साथ में नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दे देगा, अगर वो अपॉइंट हो जाता है तो वही क्या बन जाएगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसके बाद वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा और कैनई से क्रेडिटर्स को बुलाएगा, उनका कमिटी बनाएगा, उन लोग अप्रूव करेगा तो आईआरपी बन जाएगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसके बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फिर से बोल रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, उसको 66% ऑफ सीओ सिविल अप्रूव, और उसके बाद क्या नहीं से वो एनसीएलटी को जाएगा, एनसीएलटी ने अप्रूव किया तो प्रोसेस स्टार्ट, नहीं तो। अब बेटा इसके बाद मैंने तीन एप्लीकेशन जो फाइल होगा उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दिया था, कौन से केसेस में तीन एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, एक बार ध्यान से सुनो, एफसी फाइल कर रहा है, ओसी फाइल कर रहा है, सीडी फाइल कर रहा है। ये एफसी जब एप्लीकेशन फाइल करता है, समझिए इस बात को, एफसी जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो क्या नहीं से वो क्या क्या देगा, सबसे पहले क्या देगा वो, क्या नहीं से रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अदर इंफॉर्मेशन, एनसीएलटी को, एनसीएलटी या तो बोलेगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं या तो बोलेगा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं बोलेगा तो बेटा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं बोलेगा तो क्या से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिजेक्ट कर रहा है तो भी कम्युनिकेट करेगा सिर्फ एफसी को, और उसका डिफेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ेगा विद इन कितना डेज, 7 डेज, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो किसको कम्युनिकेट करेगा, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर, और वो उसको कितने दिन में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, 7 डेज में। फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो सीधा एप्लीकेशन नहीं फाइल करेगा बेटा, वो पहले किसको एप्लीकेशन देगा, पहले वो डिमांड नोटिस देगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को, ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर उस डिमांड नोटिस का आंसर देता है, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर उस डिमांड नोटिस का आंसर या मतलब पेमेंट कर देता है, या तो बोलता है डिस्प्यूट कर देता है, कोर्ट में चला गया मैटर, तो एप्लीकेशन नहीं कर सकता, पेमेंट भी नहीं किया डिस्प्यूट भी नहीं किया तो एप्लीकेशन कर सकते हो, इनवॉइस फाइल करो, एविडेंस दे दो, अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा एप्लीकेशन, रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट किया तो 7 डेज में रेक्टिफाई कर सकता है एफसी ओसी जब से डिफेक्ट उसको नोटिस मिला है वहां, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो भी वो किसको एप्लीकेशन करेगा, किसको करेगा एप्लीकेशन, ओसी को एंड सीडी को, किसको किसको करेगा, सॉरी ओसी हाँ एंड सीडी को, कम्युनिकेट करेगा विद इन कितना डेज, 7 डेज। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट डेटर, बेटा कॉर्पोरेट डेटर भी एप्लीकेशन कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर जब डिफॉल्ट होगा उसके तभी एप्लीकेशन करेगा, तो बेटा एप्लीकेशन कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देगा, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद एनसीएलटी या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन तो रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 7 डेज, और एक्सेप्ट कर रहा है तो कैसे कम्युनिकेट करेगा ओसी को विद इन, सॉरी सीडी को विद इन कितना डेज, 7 डेज। एक पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान दो, देखो इधर, एप्लीकेशन कब करेंगे पता है, व्हेन द डिफॉल्ट का अमाउंट इज कितना, 1 लाख और मोर। बेटा मटेरियल नाम, मटेरियलिटी नाम की भी तो चीज होती है जिंदगी में, तो अगर डिफेक्ट, इधर देखो ना लिखा हुआ है, दिख रहा है तुमको इस पॉइंट पे, देखो लिखा हुआ है, अगर डिफेक्ट का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज और मोर, तो ही एप्लीकेशन कर सकते हो, याद रखो कहीं पे लिख के रख लो, 1 लाख और मोर। जिसको हायर उसको एक्सटेंड कर सकता है ना यार, रेगुलेशन ला के उसको अप टू 1 करोड़ ले जा सकता है। अब ये ना पावर दिया रहता है बेटा, जब तक इस पावर को आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तब तक ये पावर ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका कोई वैल्यू ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब तक उसको लीगल एनफोर्समेंट नहीं होता है, सॉरी। तो ये एक पॉइंट जरा मार्क करके छोड़ दो। अब बेटा सुनो, अब क्या है ना, नया पार्ट मैं स्टार्ट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो गिवन टाइम में फिर खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसको अपन कल यहां से कंटिन्यू करेंगे आगे। स्टडी हार्ड एवरीबडी, विल मीट टुमारो, आई विल मेक श्योर यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ आईबीसी, जस्ट पढ़ते टाइम एकदम फोकस्ड रहो, मेरे साथ रिवाइज करो, कुछ भी चेंज मत करो मेरे पढ़ाने के पैटर्न को, वैसे करो पूरा याद हो जाएगा आईबीसी। चलो थैंक यू एवरीबडी।